हम 106.2 FM पर जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ में अनुष्का शर्मा हो जाएंगी. सो सैंडी वो घड़ी आ गई है कि आई एम गोना एक्चुअली लाइक वी विल टॉक टू अनुष्का शर्मा. सो फाइनली अनुष्का जी हमारे साथ हो चुकी है एंड दे फुल ऑन यहां पे ब्लश कर रहा है. या या लाइक हाउ आर यू अनुष्का? Hi guys, I'm good. How are you? We are very, very good. Actually, मैं तो बहुत ही खुश हूँ. अनुष्का, मैंने आपकी फिल्में इतनी बार देखी हैं. Seriously, I'm a very, very big fan of yours. Thank you. Yeah, and जहाँ तक यहाँ पर न्यूजीलैंड का सवाल है तो मतलब हम लोगों को लगता है ना कि you are the super duper actress और फिर मतलब आज के टाइम पर superstar. Superstar तो है ही, उससे भी ऊपर आप है because आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मतलब एक ऐसी स्टार जिन्होंने शाहरुख खान के साथ में you know अपना डेब्यू किया और उसके बाद में फिर आपने मतलब तीनों खान के साथ में काम किया यार. एंड अभी आपकी ये फिल्म जो आ रही है जब हैरी मेट सेजल, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. तो इस फिल्म के बारे में बातें करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मूवी. सो अनुष्का, सबसे पहले बताइए अपने रोल के बारे में, सेजल के बारे में. तो जो मेरा कैरेक्टर सेजल का, वो लड़की गुजराती ओरिजिन की है, मुंबई में उनकी फैमिली रहती है एंड फ्री स्पिरिटेड लड़की है. ज्यादा उसको दुनिया मतलब होते ना कि आप दुनिया भर घूमे हैं लेकिन आपने रियली लाइक बहुत नजदीकी से चीजों को जाना नहीं है, तो थोड़ा वो ऊपरी ऊपरी रहते हैं, जैसे बोलते हैं सुपरफिशियल जिसे बोला जाता है अक्सर, तो ये सुपरफिशियल सी है और ज्यादा डेप्थ नहीं है एज ए पर्सन. एंड उसकी जो अंगूठी है, जो कि एंगेजमेंट रिंग है जिसको वो एंगेजमेंट बोलती है, वो उसकी गुम हो गई है और वो उसके तलाश में निकली है अपने टूर गाइड के साथ जो शाहरुख का किरदार है. और इसी सफर में कहीं पे रास्ते में उसको अपनी आप की डिस्कवरी होती है और जो असलियत में वो है या हो सकती है वो उससे उसका परिचय होता है. और बस यही है, कहानी अच्छी है, कहानी हैप्पी फिल्म है, एक सफर की कहानी है दो लोगों के बीच जो एक दूसरे से बहुत ही अलग है और बस मजेदार है, फैमिली फिल्म है. या तो जहां तक इस फिल्म का सवाल है, मतलब इस फिल्म के नाम को लेकर भी, टाइटल को लेकर भी शुरू शुरू में बहुत कुछ सुनने को मिला था. एक्चुअली में क्या होता है कि पहले टाइटल डिसाइड हो जाता है और उसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू होती है, लेकिन इस मूवी का हिसाब थोड़ा उल्टा था, वो क्यों? आई डोंट नो एक्चुअली. इम्तियाज ने पिक्चर का नाम नहीं रखा था और बहुत समय तक वो ढूंढ भी नहीं रहे थे कोई नाम और थोड़ा सा ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि हम देख लेंगे. देन एक समय आया कि हम सबको लगा कि अभी तो नाम होना चाहिए फिल्म का. तो काफी नाम सोचे गए थे और फाइनली ये इस नाम पे डिसाइड किया गया कि ये पिक्चर की जो पल्स है, की जो कोर है, वो इसको अच्छे से दर्शाती है. ये टाइटल इसको अच्छे से उसको जस्टिफाई करता है. तो बस सब फिल्म का टाइटल जब हैरी मेट सेजल जाके रखा. आई थिंक अनुष्का, जहाँ तक फैन फॉलोइंग का सवाल है तो चाहे फिर वो इम्तियाज अली की फिल्म हो या फिर शाहरुख खान हो या फिर अनुष्का शर्मा, आप लोगों की इतनी फॉलोइंग है कि भाई लोग जो है इस फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड है और फिर धीरे धीरे करके जो मतलब टीजर आप लोगों ने रिलीज़ किया है, फिल्म के गाने जो आ रहे हैं, उससे एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया. बट दिस इज़ वन थिंग, एक क्वेश्चन मैं जो पूछना चाहता था कि आपने मतलब फिल्मी सफ़र की शुरुआत जो है, बॉलीवुड की शुरुआत जो है, ये शाहरुख खान के साथ में की थी और रब ने बना दी जोड़ी. उसके बाद में आपने फिर और भी बहुत बड़े बड़े सितारों के साथ में काम किया, बहुत सारी लाजवाब फिल्में दी और अब आपकी ये तीसरी फिल्म है यू नो शाहरुख खान के साथ में. तो हाउ वाज दी यू नो एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम इन द फर्स्ट मूवी, सेकंड, बट मोस्टली टॉकिंग अबाउट जब हैरी मेट इन सेजल? विद एवरी फिल्म आपका एक्सपीरियंस और आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है ऑब्वियसली. मेरा खुद का एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हैविंग डन सो मेनी फिल्म्स. बट शाहरुख के साथ पर्टिकुलरली हर फिल्म के साथ आपका कम्फर्ट लेवल, जैसे मैंने कहा, बढ़ जाता है. उसके अलावा इतने सालों से मैं उनको थोड़ी नज़दीकी से जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, तो उससे भी फर्क पड़ता है. और आई कम टू रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन इंडिविजुअल. एज एन एक्टर तो हम जानते हैं वो कितने सुपर्ब हैं, यू नो ही सो लव्ड बाय सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट इन जस्ट टू नो हिम एज अ पर्सन ऑल्सो हैज बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी. ओके, एंड अनुष्का, यू नो यू आर प्रोड्यूसर एज वेल, बहुत सुपर मूवीज आपने दी है. आई लव फिलोरी बाय द वे. एंड यू नो एज अ प्रोड्यूसर मैं आपका राय जानना चाहूँगी, जैसे इस मूवी के मिनी ट्रेलर्स को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि कुछ वर्ड्स को यू नो निकाला जाएगा एंड बहुत कुछ हुआ था, वोटिंग भी हुई थी उसके बाद एंड जनता तो हमेशा फेवर में ही रही है. तो आपका इसके बारे में सर्टिफिकेशन बोर्ड सेंसर बोर्ड के बारे में क्या कहना है, कुछ एनी टेक? मेरा ऐसे कुछ मेरा जो मैंने पहले कहा था वही टेक है इस बात के ऊपर कि मेरे हिसाब से तो
बोर्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उनका मेरे हिसाब से यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो फिल्म को सर्टिफाई करें एंड देन यू अलाउ द पीपल टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ अगर वो उस सर्टिफिकेशन की फिल्म को देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं. But in general, I think I have not been very involved with this process because I think the producers and the director were taking care of it. But so far, I think whatever we have done with the film and abhi jo film tayar hui hai release karne ke liye, we are happy with the final product. वेल हर एक फिल्म जब बनती है तो उसमें बहुत सारे यू नो सीन्स वगैरह शूट की जाती है इसमें, जबकि फॉरेन शूटिंग वगैरह भी हुई है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे से आदर यू कॉल इट ब्लूपर्स या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स छोटे मोटे फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे फिर अगर उसके बारे में बात की जाए तो लोग फिल्म देखते वक्त उन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. तो जहाँ तक जब हैरी मेट सेजल का सवाल है तो इसमें ऐसा कुछ शूटिंग के दौरान आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ जो शायद लोग फिल्म देखते वक्त उस बात से रिलेट कर सकेंगे? हाँ मतलब फिल्म में जैसे आप देख रहे हैं काफी ह्यूमर है, मजाक है, मजा है, साथ में एक खूबसूरत लव स्टोरी भी है. तो हम लोग ने भी काफी एंजॉय किया फिल्म को शूट करते हुए. एक्चुअली क्या होता है कि आई नो दैट लोगों को लगता है कि हम लोग जब फिल्म शूट करते हैं तो बड़ा हमको मजा आ रहा होता है, हमको ये करना होता है, बट हम लोगों को एक्चुअली वो काम होता है. लोग जो देखते हैं उनको फिर देख के मजा आता है. जो फनी मोमेंट्स आप लोग फिल्म में देखते हैं उसको करने के लिए हम लोगों को एक्चुअली काफी मेहनत करनी पड़ती है और जो भी एफर्टलेस लगता है स्क्रीन के ऊपर उस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं. तो हम लोग जॉब फॉर अस, हम लोग ऑफकोर्स यू व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल लाइक शाहरुख एंड इम्तियाज एंड यू नो यू हैव अ गुड टीम लाइक दैट, तो एक ओवरऑल जो वाइब होती है सेट पे वो पॉजिटिव होती है और हैप्पी होती है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप काम कर रहे हैं तो आप उसी पे फोकस करते हैं. यू नो इट्स नॉट ऑलवेज फन एंड गेम्स बट विद अ गुड क्रू यही काम बहुत अच्छे और मजे में निकल जाता है. ओके एंड अनुष्का सॉन्ग सुपर्ब है मूवी के, एनी वन योर पिक, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग इस मूवी का? मुझे राधा बहुत पसंद है. ओहो लगा ही था, एक्चुअली भी हमें लगा था. वैसे न्यूजीलैंड के बारे में आई एम श्योर कि आप न्यूजीलैंड तो पहले आई है ना? तो एक्चुअली न्यूजीलैंड हैज बीन अ प्लेस दैट मैं उसको प्रॉपर्ली डिस्कवर करना चाहती हूँ. बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं एक बार आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था. मुझे लोग बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत वार्म और वेलकमिंग लगे थे और इतनी खूबसूरत जगह है कि और मुझे वैसे मुझे नेचर का बहुत शौक है. मुझे ऐसी मतलब शहरों में जाके रहने में मजा नहीं आता, मुझे ऐसी जगह में ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे खूब नेचर हो और ऐसी सुंदरता हो जो न्यूजीलैंड में है. तो मैं डेफिनेटली आना चाहूंगी और थोड़े लंबे समय से आना चाहूंगी. वेरी गुड, वी आर एक्चुअली वेटिंग. आप आए तो प्लीज स्टूडियो में जरूर आइएगा. बिल्कुल, और न्यूजीलैंड में भी आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पर है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और फिर यहाँ पर बॉलीवुड का जिस तरह से क्रेज होता है जैसे कि इंडिया में होता है, यू नो एनी अदर कंट्री जहाँ पर बॉलीवुड को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है वैसा ही यहाँ पर. मूवीज के टाइम पे जब आपने आरफा का रोल किया था फुल ऑन सिटी भी बजी थी उस समय पे, वैसा भी माहौल यहाँ पर होता है. यस एंड उसी तरह से मतलब जब हैरी मेट सेजल को लेकर भी लोग बहुत ही एक्साइटेड है. नाउ बिफोर वी लेट यू गो एंड ऑल, आपसे बस हम ये कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि अगर आपको अपने अंदाज में लोगों से लोगों को इनवाइट करना है थिएटर्स में तो आप हमें फिल्म के लिसनर से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 4 अगस्त को और बहुत अच्छी फिल्म है. अगर आपको अभी तक इसके जितने भी ट्रेलर गाने आपने देखे अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज आइए, अपने पूरे परिवार के साथ आइए पिक्चर देखने के लिए. I am sure you'll have a great time and you'll enjoy this journey with Harry and Sejal. Thank you so much, Anushka. आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. All right. Thank you. Take care. Bye. भाई सो हम बातें कर रहे थे अनुष्का शर्मा से और गाइस उनकी फिल्म इम्तियाज अली की डायरेक्शन तली फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ये पेशकश जिसमें अनुष्का शर्मा शाहरुख खान काम कर रहे हैं. तीसरी बार इस जोड़ी को आप देखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपके सिनेमाज में आ जाएगी. 4 अगस्त इज द रिलीज डेट. और आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है. अब तो अनुष्का ने भी बोल दिया, वैसे अनुष्का को बोल देना चाहिए था हमें कि पिछली बार जब वो आई थी यहाँ पर तो सैंडी ही वही लड़की थी जिसने मतलब उसकी तस्वीर खींची थी और ट्विटर पे डाली थी और वायरल हो गई और वो वायरल हो गई थी. चलो अनुष्का तो चली गई है लेकिन अगली बार उसको जरूर बताएगी कि यही है वो लड़की, इसीलिए किया था और उसके वो जो ट्वीट है उसको इंडिया में जगह जगह पर दिखाया गया था. आई डोंट न्यूज में वो ट्वीट घूम रहे थे मेरे, बट जिन लोगों को शायद मालूम नहीं था यू नो वाकई यू वर द फर्स्ट पर्सन, यू वर द वन जिन्होंने तस्वीर खींची थी और उसके बाद ट्विटर पे तुमने डाला था. सो गाइस इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू अनुष्का शर्मा एंड बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे
चाहेंगे कि कीप लिसनिंग टू हम 106.2 एफएम, जहां पर मोस्ट ऑफ दी सेलेब इंटरव्यूज, मोस्ट ऑफ दी मूवीज वगैरह जो है, और बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चे वगैरह जो है, और उसकी सबसे ज्यादा जो सनसनी खेज खबरें हैं, ये आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं ऑन 106.2 एफएम, ऑफ कोर्स। कीप हमिंग।